और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। इस समस्या का समाधान कर सके जो ने इधर उधर दौड़ने की आवश्यकता पड़ती थी, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था से उन्हें जोड़ सके। लेकिन एक नई समस्या खड़ी हुई थी कि किसी के खाते में 500 रुपए दिए, किसी के खाते में 1000 रुपया दिया, किसी के खाते में 2000 रुपए गए और अगले दिन वह अपनी पासबुक लेकर के सीधे बैंक पहुंच जाते थे। उस समय विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की, वह थी वीसी सखी की। और वीसी सखी की व्यवस्था के माध्यम से प्रदेश की लगभग 58,000 ग्राम पंचायतों के लिए हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी की तैनाती होगी। न केवल उस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य किया, बल्कि सफलतापूर्वक आज यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक अभूतपूर्व कार्य कर रहा है और यह कार्य भी विभाग के द्वारा सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। मुझे याद है ग्रामीण क्षेत्र में सचिवालय होना चाहिए। अगर शासन स्तर पर सचिवालय बना करके हम लोग सारी का केंद्र बिंदु, विकास का केंद्र बिंदु, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए शासन की योजनाएं उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, इसके लिए वहां पर चिंता करते हैं, उनकी कार्य योजना बनाते हैं, उसको लागू करते हैं, उसको समय समय पर समीक्षा करते हैं। तो विकास की जो सबसे महत्वपूर्ण धुरी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्राम्य विकास के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है, उस गांव में भी उसका अपना सचिवालय क्यों नहीं होना चाहिए। और आज सफलतापूर्वक कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तमाम प्रकार के कदम हैं जो अद्भुत हैं, अभिनंदनीय हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस दौरान जो कार्य हुए हैं वह सचमुच ग्राम्य विकास की दिशा में पूरे देश के लिए अनेक क्षेत्रों में एक नई मिसाल बनी है। आज आपके इस उत्साह को, कोरोना समाप्त नहीं हुआ, लेकिन सबके बावजूद आप लोग आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आए और लखनऊ में आकर के आपने इस उत्साह के साथ, इस कार्यक्रम के साथ अपनी सहभागिता की। मुझे याद है पिछले दिनों जब एक बार रोजगार सेवक अपने किसी कार्यक्रम के साथ यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो मैंने विभाग के प्रमुख के सचिव से पूछा था। मैंने कहा आखिर इनकी समस्या क्या है, क्यों ये लोग इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मुझे बताया गया कि इनकी कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन कुछ और समाधान इनका हो जाएगा। तो हमने कहा उनके साथ संवाद बनाए और फिर एक दिन उनका एक सम्मेलन करें। तो मैं मानता था कि उनका सम्मेलन 1500 लोगों का सम्मेलन होगा, क्योंकि अब तक तो मैं ये मानता था कि प्रदेश में सबसे बड़ा जो विभाग है, जिसमें सबसे अधिक मैन पावर है, वह गृह विभाग होगा। उसमें पुलिस कर्मियों की संख्या और सबको मिलाकर के लगभग 3 लाख के आसपास आ जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राम्य विकास ने आज उसको भी एक दिशा में कमजोर करने का काम कर दिया है। आज बता दिया है कि नहीं, हमारे मन में एक जज्बा है, हम अपनी पूरी ताकत के साथ कार्य करते हैं और उस ऊर्जा का उपयोग हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। केवल ग्राम रोजगार सेवक इतनी भारी संख्या में, इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम में सहभागी बने, यह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड के अंदर अगर हम देखें तो अकेले 2020-21 में 12,622 करोड़ रुपए व्यय करते हुए 1,16,00,000 रोजगार सृजन का कार्य, यानी इतने लोगों को रोजगार देने का कार्य प्रदेश के अंदर हुआ, जिसमें 39,046,00,000 करोड़ मानव दिवस
39.46 करोड़ मानव दिवस का सृजन प्रदेश में हुआ है, जो देश में प्रथम स्थान पर रहा है। जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं ग्रामीण विकास की चल रही हैं, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा की योजना हो, राष्ट्रीय आजीविका मिशन का है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का है, इन सभी की कार्य योजना को बना करके उसको क्रियान्वयन करने का कार्य ग्राम विकास विभाग तेजी के साथ कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। शहरी क्षेत्र में जो उपलब्धियां उत्तर प्रदेश ने हासिल की हैं, उससे जुड़े हुए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में है। लेकिन शहरी क्षेत्र से पहले ग्रामीण आवास के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहर में मिलाकर के आज के दिन पर हम देखेंगे तो 42 लाख ऐसे लोगों को जिन्होंने आजादी के बाद सिर ढकने के लिए, जिनके पास अपना आवास नहीं था, उन्हें आवास देने का कार्य भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत अगर पिछले 4 वर्षों में कुल 103.27 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए और गत वर्ष कोरोना की प्रथम लहर के दौरान राज्यों से प्रदेश में जो 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे, उन सबको भी इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य हुआ। और 2021 में जो मैंने पहले भी बताया है, 39.46 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया, जो कि इस योजना के अंतर्गत अब तक का सर्वाधिक है। 4 वर्षों में 246.56 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और 2021 में देश में सर्वाधिक 94.37 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश में रोजगार देने का कार्य अकेले एक योजना के माध्यम से ग्राम्य विकास विभाग ने किया है। में 26 जून 2020 को एक दिन में, मुझे याद है जब कोरोना काल खंड था और मैं नियमित समीक्षा करता था, और वह दिन अभूतपूर्व दिन था जिस दिन एक ही दिन में 62,25,000 श्रमिकों ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त किया था। एक ही दिन में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 62,25,000 लोगों को एक ही दिन में रोजगार देने का कार्य ग्राम्य विकास विभाग ने किया था। और मुझे लगता है कि यह देश के अंदर तो सर्वाधिक था ही, इतिहास में भी एक दिन में कोई राज्य इतने बड़े पैमाने पर रोजगार देगा वह सर्वाधिक बड़ी संख्या थी। 2021 में 7,79,709 परिवारों को 7,79,709 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, जो कि योजना जब से प्रारंभ हुई है तब से यह सर्वाधिक संख्या है। और 4 वर्ष में अगर हम देखें तो यह संख्या 5,03,619 व्यक्तिगत लाभार्थी परक संपत्तियों के सृजन में और 2021 में 2,62,111 व्यक्तिगत लाभार्थी परक कार्य इस दौरान प्रदेश के अंदर कराए गए। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कार्यस्थल पर ग्राम रोजगार सेवक के सहयोगार्थ 38,419 महिला मेटों का चयन किया गया, 19,814 का प्रशिक्षण भी अब तक पूरा किया जा चुका है। ग्रामीण परिवारों की आजीविका संसाधन में वृद्धि हेतु पशु सेट, बकरी सेट, मुर्गी सेट, भूमि सुधार, मेणबंदी, वृक्षारोपण, बर्मी कंपोस्ट,
आंधी का भी लाभ ग्रामीण क्षेत्र में वहां के निवासियों को प्रदान करने का भी कार्य किया जा रहा है। तो योजना के अंतर्गत कृषकों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने, व्यक्तिगत भूमि पर खेत तालाब निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किया जा रहा है। खेत तालाब में कृषकों द्वारा मत्स्य पालन का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे उनकी आजीविका में कई गुना वृद्धि हुई है। मनरेगा और पंचायती राज के मध्य कन्वर्जेंस के माध्यम से भी 19,573 पंचायत भवनों का भी निर्माण कार्य प्रारंभ करते हुए अब तक 3,372 पंचायत भवन यानी ग्राम सचिवालय के निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। 45,111 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें से 9,007 सामुदायिक शौचालयों का कार्य पूरा भी अब तक पूरा किया जा चुका है। विगत 4 वर्षों में मनरेगा में बाल विकास एवं पुष्टाहार एवं पंचायती राज विभाग के मध्य अभिसरण कर कुल 15,441 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य भी पूरा किया गया है और ये समस्त आंगनवाड़ी केंद्र क्रियाशील हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष तक के वे बच्चे आते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें बाल विकास और पोषाहार की योजनाओं के साथ जोड़ करके अगर कहीं कोई बच्चा कुपोषित है तो शासन की योजनाओं से उसे जोड़ करके उसे सामान्य बच्चे की तरह ही स्वस्थ बनाने में भी ये केंद्र उपयोगी होते हैं और ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग किस रूप में उसमें योगदान दे रहा है, यह उन आंगनवाड़ी केंद्रों के स्वयं के भवन निर्माण में किए जा रहे योगदान के माध्यम से देखा जा सकता है। पर्यावरण सुरक्षा और इकोसिस्टम को दुरुस्त करने के लिए भी विगत 4 वर्षों में बृहद वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ, यानी वृक्षारोपण का मतलब हम मानते थे कि यह केवल वन विभाग का कार्यक्रम है, लेकिन नहीं, प्रदेश के अंदर सभी विभागों ने इसके साथ जोड़कर के कार्य किया है और 2021 में 8,80,00,000, 21-22 में 10,56,00,000 पौधों का रोपण भी करने में विभाग ने अपना योगदान किया है और 22-23 में 12,32,00,000 पौधों का रोपण का कार्य भी विभाग के द्वारा किया गया है, जो अभिनंदनीय है और मैं इसके लिए विभाग को हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत ही सौभाग्यशाली है, यहां पे पर्याप्त जल संसाधन है, लेकिन समय के अनुरूप आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बार अपनी चिंता को व्यक्त किया है और अक्सर इस दिशा में देश के अनेक महापुरुषों ने अपनी चिंताएं समय समय पर व्यक्त की हैं कि हमें जल के स्रोत अपनी इन सभी नदियों के पुनर्जीवन के लिए कार्य करना होगा। और मैं धन्यवाद दूंगा कि ग्राम्य विकास विभाग ने मनरेगा के माध्यम से लुप्त प्राय हुई तमाम नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य भी किया है और इसमें अगर हम 2018-19 में देखें तो 6 ऐसी नदियों को, 19-20 में 19 ऐसी नदियों को और 20-21 में 25 लुप्त प्राय नदियों को फिर से उनमें जल संचयन का काम भी, यानी फिर से उनमें जल उनके साथ जुड़ा है और उनकी अविरलता और उनकी निर्मलता को बनाए रखने में भी विभाग ने अपना योगदान किया है। यह अत्यंत अभिनंदनीय है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा मनरेगा योजना के अंतर्गत 95,261 नागरिक सूचना पट्टिका का निर्माण कार्य भी किया गया है। मनरेगा योजना के कार्य 11,37,000 श्रमिकों को BOCW बोर्ड में पंजीकरण भी कराया गया है, जिससे इन श्रमिकों को BOCW बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल सके।
श्रमिकों की कार्यस्थल पर ही उपस्थिति के लिए एनएमएमएस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसके अंतर्गत सभी 38,860 मोबाइल डिवाइस का भी पंजीकृत किया जा चुका है। प्रदेश सरकार का यह संकल्प है कि भ्रष्टाचार मुक्त पूर्णतः पारदर्शी ढंग से लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए और जहां कहीं भी भ्रष्टाचार के प्रकरण संज्ञान में आए उसमें कठोरता पूर्वक कार्रवाई भी की जाए। और इस वर्ष आप सबको कम से कम 20 लाख परिवारों को 100 दिन का रोजगार देते हुए 13,000 करोड़ रुपए का कार्य मनरेगा के अंतर्गत कराना चाहिए। महिला मेटों की योजना अच्छी है और इसको मुझे लगता है कि बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जिनका प्रशिक्षण हो चुका है उनको मैं बधाई देता हूं, जिनका प्रशिक्षण नहीं हुआ है विभाग समयबद्ध ढंग से अगर उनका प्रशिक्षण करवा ले तो मुझे लगता है कि यह प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में उन ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए जो वास्तव में एक सामान्य नागरिक के रूप में कार्य करने में उम्र कहीं ना कहीं बाधा है उन लोगों के लिए भी सहयोगी हो सकता है और उन परिवारों के स्वावलंबन के में भी उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है और इन योजनाओं को आगे बढ़ाने में इनकी बड़ी संख्या बड़े अच्छे ढंग से इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है यहां पर अभी हमारे दोनों मंत्रीगण यहां पर बता रहे थे, उन्होंने योजनाओं के बारे में बताया था। मुझे याद है जब 2020 में जो 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों की कई कई वर्षों से जो लंबित मानदेय था उसका भुगतान नहीं हो पा रहा था और ये बात अक्सर हमारे सामने आती थी, फिर विभाग के मंत्रियों के साथ और विभाग के प्रमुख मुख्य सचिव के साथ मेरी बैठक हुई। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।